Thank you हेलो एवरीवन आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू पिनेकल कोचिंग ये है हमारी जीएस मैराथन सीरीज जहां पर हम डिस्कस करते हैं टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सीपीओ एग्जामिनेशन में तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिनेकल की इस बुक में जिसका नाम है जर्नल स्टडीज सिक्सटी फाइव हंड्रेड टी सी एस एम सी क्यू तो ये बुक इजिली अवेलेबल है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट आप वहां ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस बुक को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं इसके अलावा आप पिनाकल की वेबसाइट पे जाके ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो आज के हिस्ट्री के सेशन में हमने क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस सेक्शन से उठाए हैं जिस डायनेस्टी से जो आ, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे राइट चलिए तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी बताइए ड्यूरिंग द रूल ऑफ टीपू सुल्तान विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ हिज स्टेट मैसूर टीपू सुल्तान के शासन काल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी बताइए ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको ऑप्शंस दिए हैं बिदर श्री मदुरई या बेंगलौर हाँ जी बताइए राइट right. जो बी कह रहे हैं बिल्कुल सही है श्री तो श्री थी कैपिटल मैसूर की जब टीपू सुल्तान वहां पर टीपू सुल्तान का वहां पर शासन था चले आगे हां जी द मेडिवियल ट्रेवलर मार्कोपोलो वॉज फ्रॉम मुगलई मध्य युगीन यात्री मार्कोपोलो आपको बताना है कि मार्कोपोलो जो है एक ट्रेवलर था वो कहाँ से आया था वेनिस जूरिक इस्ताबुल या पेरिस राइट ए वेनिस तो मार्कोपोलो आया था कहाँ से uh, Venice से ठीक है uh, uh, किस टाइम पर आया था 1271 से ट्वेल्व नाइनटी एडी के बीच में वाइसरॉय ऑफ इंडिया भारत के प्रथम पुर्तगाली वाइसरॉय रॉय इनमें से कौन थे ऑप्शंस क्या दिए हैं अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क डॉट डी मैनेजी फ्रांसिस्को डी अल्मेदा या लोपोसोरस डी अल्बेजेरिया। राइट सी इसका आंसर है ठीक है फ्रांसिस्को डी अल्मेदा तो फ्रांसिस्को डी अलमेदा जो था वो फर्स्ट पोर्चुगीज वाइस था इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग दिड नॉट बिलोंग टू द राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ इसमें से कौन मारवाड़ के राजपूत से संबंधित नहीं है राव जोधा राव चंदा राना कुंभ या फिर मालदेव राइट राणा कुंभा इसका आंसर है राणा कुंभा जो है वो राजपूत किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं इसके अलावा राव जोदा राव चंदा और मालदेव ये तीनों के तीनों जो है वो राजपूत किंगडम ऑफ मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। कालिंजर फोर्ट विच वॉज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेडिवियल टाइम्स इज लोकेटेड इन कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहा स्थित है उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब या सिंध जल्दी बताइए कालिंजर फोर्ट कालिंजर फोर्ट जो है वो आ, कहां पर लोकेटेड है ए उत्तर प्रदेश राइट जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उत्तर प्रदेश की बांदा तो बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है कालिंजर फोर्ट

कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है सबसे ऊपर है उसकी सत्ता तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है हाँ जी क्या चीज ऐसी इनिशिएट की थी लॉर्ड हा, हांसटे ने जिसकी वजह से उसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में सबसे ऊपर है सबसे सुप्रीम है और वो इंडियन स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल है पॉलिसी ऑफ द पैरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंपीरियल पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट स्टोर क्या चीज इनिशिएट की थी राइट पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेसी पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेसी इसका आंसर है ठीक है तो ये कब लॉन्च हुई थी कब लॉन्च करी थी उन्होंने कब इनिशिएट करी थी 1813 में तो 1813 में लॉन्च की थी लॉर्ड हेन्स्टिंग ने क्या पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेसी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया था 1887, 1842, 1864 या 1858? हां जी बताइए इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इन टू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्क बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया क्या है इसका आंसर राइट एटीन फिफ्टी तो 1858 है इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज फाइव एज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज पंचम ने जो पांचवें किंग जॉर्ज थे उन्होंने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था 1917, 1906, 1923 या फिर 1911? राइट right, 1911 1911, इसका आंसर है हाँ जी कहां मिला था उनको ये क्राउन कहां पे उनको पहनाया गया था दिल्ली दरबार में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हु बिकेम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756 नवाब के बंगाल के नवाब किसको बनाया गया था बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था अलीवर्दी खान की डेथ के बाद इन 1756 फिफ्टी सिक्स मिर्जाफर मुर्शीदुली खान सिराजुदौला या सुजान खान हाँ जी सिराजुद्दौला दौला राइट सिराजुदौला जो थे वो थे नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756 राइट उसके बाद जो है सिराजुद्दौला की भी अः ब्रिटिशर से आ, बैटल हुई थी ठीक है जिसमें मीर जाफर ने उनको बिट्रे किया था और रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था ठीक है इंपॉर्टेंट है वो बैटल आपको पता ही है ठीक है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं उस बैटल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्सप्लोर डिस्कवर्ड अ सी अंडिया इन फोर्टीन नाइनटी एट ये तो बहुत ईजी है 1948 में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी ऑप्शंस क्या दिए आपको बताइए थॉमस कोरियाट मैगनथीस मार्कोपोलो या वास्को डिगामा राइट ये तो सबको पता है छोटी क्लासेस में सबको पता है ठीक है बड़े हो के सबको याद ही है तो आ, वास्को डिगामा जो है वो सबसे पहले इंडिया में आए थे ठीक है फर्स्ट पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सी रूट का जो है वो डिस्कवर किया था इंडिया तक आने के लिए ठीक है कब किया था फोर्टीन नाइन्टी सेवन से फोर्टीन नाइन्टी एट के बीच में आए थे वो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवदीता इन इंग्लिश आपको बताना है इनमें से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ऑप्शन क्या दिए आपको जॉर्ज यूल विंसेंट ऑथर स्मिथ मैक्स मुलर या चार्ल्स विलकिन हाँ जी चार्ल्स विल्किंस तो चार्ल्स विल्किंस जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था भगवद गीता को इंग्लिश में नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉलोइंग वॉज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1947 इनमें से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था मीर महबूब अली खान उस्मान अली अकबर अली खान या नसीर जंग राइट ओसमान अली औस्मान अली इसका आंसर है औस्मान अली 1947 में निजाम थे हैदराबाद के नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पिश्ताक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवियल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हाँ जी आपको बताना है कि मध्ययुगीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में इनमें से कौन सा पिश्ताक का अर्थ है डोम टॉल गेटवे, ट्रू आर्क या फिर वाटर टैंक पिश्ताक किस का मतलब क्या है ये आपको बताना है राइट right, टॉल गेटवे तो लंबा प्रवेश द्वार ये इसको बोलते हैं पिश्ताक ठीक है पिस्टाक क्या है एक तरह का फ्रंट ऑफ आर्क है ठीक है जो गेटवे होता है टॉल गेटवे जिसका फ्रंट जो है कुछ ऐसा होता है उसको बोलते हैं पिस्टाक हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मुगल एम्पर शाह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ़ ऑफ़ बंगाल इन ईयर। मुगल सम्राट शाह आलम ने कौन से वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था 1835, 19, uh, 17, 1765 या फिर बताइए हां जी बीस का आंसर है 1765 सिक्सटी फाइव तो 1765 सिक्सटी फाइव में मुगल सम्राट शाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषाद इनटू पर्शियन इन 1657. आपको बताना है कि इनमें से किस मुगल राजकुमार ने उपनिषादों का फारसी में अनुवाद किया था ऑप्शंस क्या दिए आपको सुल्तान आ, लुफ्ताला, दारा सिखो मुराद मिर्जा या शाहजा राइट right, दारा सिखो दारा सिखो जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया था ठीक है उपनिषद को इंटू पर्शियन तो उस टाइम पे मुगल्स के टाइम पे कौन सी लैंग्वेज चलती थी पर्शियन लैंग्वेज चलती थी तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार ठीक है तो दारा सिखों थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था उपनिषद को इंटू पर्शियन लैंग्वेज इन 1657 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अलीवर्दी खान वॉज ए नवाब ऑफ अलीवर्दी खान जो है वो कहाँ के नवाब है कहाँ के नवाब थे डक्कन मालाबारी अवधी या बंगाल ये तो अभी हमने पीछे आ, पीछे वाले क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से किए तो आपको पता होगा इसका आंसर राइट बंगाल बंगाल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है ना तो अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो है वो सिराजुदौला बंगाल के नवाब बने थे ठीक है उसके बाद जो है उनकी लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और उसके बाद जो बंगाल के नवाब बने थे वो बने थे मीर जाफर राइट जो सिराज उद्दौला को जिन्होंने धोखा दिया था ठीक है उसके बाद मीर जाफर को भी हटा दिया गया और फिर बाद में बने मीर कासिम राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी प्रॉफेट मोहम्मद फाउंडेड द फेथ ऑफ इस्लाम इन द कौन सी सेंचुरी आपको बतानी है पेगाम्बर मोहम्मद ने कौन सी सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी सिक्स सेंचुरी एट सेंचुरी सेवेंथ सेंचुरी या फिर नाइन्थ सेंचुरी हाँ जी सेवेंथ सेंचुरी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन

जॉन मार्शल या राजेंद्र लाल मित्रा राइट एच एच कॉल एच एच कॉल को नियुक्त किया गया था क्यूरेटर ऑफ एशियंट मॉन्यूमेंट्स इन ईयर 1880. कौन थे वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे एच एच कॉल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नोज ब्रैकेट में लिखा है और कन्नौज को क्या बोलते हैं कन्या इट्स कैपिटल सिटी कौन सी डायनेस्टी थी जिसने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया इनमें से किस ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया बताइए ऑप्शंस क्या दिए हैं पाला डायनेस्टी प्रतिहारा डायनेस्टी सेना डायनेस्टी या फिर चोला डायनेस्टी राइट प्रतिहारा डायनेस्टी प्रतिहार डायनेस्टी जो है इन्होंने बनाया था कन्नौज को अपना कैपिटल नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1850 1815 वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था ऑप्शंस क्या दिए आपको जॉन हर्डसन थॉमस हिके हैरी वॉलपॉल या फिर कॉलन मकैन्जी बताइए हाँ जी कॉलिन मैकेंजी। तो कॉलिन मैकेंजी जो है वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे इंडिया के इन 1815 हाँ जी जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी स्टोरीज डज कुतुब मीनार हैव इन दिल्ली दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है फाइव एट सेवन या फिर सिक्स ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है देखते हैं कि कितने लोगों ने कुतुब मीनार को ध्यान से देखा है बताइए कितनी स्टोरी है कुतुब मीनार में राइट फाइव स्टोरीज ठीक है तो फाइव मंजिला है पांच मंजिला है कुतुब मीनार फाइव स्टोरीड है ठीक है टोटल हाइट कितनी है सेवेंटी थ्री मीटर हाइट है उसकी ठीक है किसने बनवाया था बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको स्टार्ट इन्होंने कराया था बनवाना लेकिन कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी देखिए कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने लेकिन उनके रहते रहते वो कंप्लीट नहीं हो पाया बीच में ही उनकी डेथ हो गई उसके बाद जो है नेक्स्ट आए इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश उन्होंने कुतुब मीनार को बाकी बचा हुआ कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करवाया था राइट तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार जो है वो स्टार्ट किसने करवाया था और ये भी पूछा जाता है कि कंप्लीट किसने करवाया था स्टार्टिंग में ये सिर्फ थ्री स्टोरी था ठीक है बाद में इतमेश जब आए उन्होंने ऊपर की दो मंजिल या तीन दो मंजिल और बनवाई तो ये टोटल फाइव स्टोरी हो गया ठीक है चले आगे हाँ जी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इन्होंने इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी को और क्या बोलते हैं मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं इलबारी डायनेस्टी बोलते हैं तर्किश डायनेस्टी बोलते हैं कब से स्टार्ट हुई थी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बारह से तो बारह से स्टार्ट हुई थी स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी किसके स्लेव थे ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बनवाया कुतुब मीनार दूसरा क्या बनवाया था उन्होंने बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा ठीक है जो अजमेर में है राइट right? और कुतुब मीनार सबको पता है कि दिल्ली में है चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द निजाम और निजाम ऑफ असफ डायनेस्टी रूल आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस हिस्से पर शासन किया था ऑप्शन क्या दिए आपको वेस्टर्न किंगडम्स ईस्टर्न स्टेट्स डक्कन प्रोविंस नदन इंडिया हां जी बताइए क्वेश्चन नंबर फोर सेवेंटी टू पर पहुंच चुके हैं हम राइट डकन प्रोविंसेस तो दक्कन प्रांत जो है वो पार्ट था जहां पर निजाम ऑफ अजफ जाही डायनेस्टी रूल करती थी नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पॉर्चुगीज राइटर हु रोट अबाउट द ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया इनमें से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था बताइए निकोलाओ मानुसी ठीक है मानुची फ्रांस फ्रांसकोई बैनियर जेन बैप्टाइज टेरनियर या फिर ड्रॉट बारबोसा हाँ जीने लिखा था ट्रेड और सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया के बारे में क्या है इसका आंसर राइट डी ठीक है द्वार बरबोसा तो द्वार बरबोसा जो है वो पोर्चुगेज राइटर थे और उन्होंने लिखा था इंडिया में जो भी ट्रेड होता था उसके बारे में और साउथ uh, इंडिया में जो सोसाइटीज थी उनका क्या स्ट्रक्चर था क्या हेरारकी थी सोसाइटी के अंदर उस टाइम में कैसे रूल चलता था क्या एडमिनिस्ट्रेशन था क्या टैक्सेस था ये सारी चीजें उन्होंने अपने बुक में लिखी थी ठीक है चले आगे हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द नाइन्थ सेंचुरी शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कि स्थापना किसने की थी बलाला सेना गोपाला समान सेना या धर्मपाल हां जी बताइए राइट धर्मपाल ठीक है ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो यहां पे रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन ठीक है बाद में विक्रशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसने डिस्ट्रॉय करी थी वो डिस्ट्रॉय करी थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इन इलेवन uh, में और बनी कब थी एस्टैब्लिश कब हुई थी सेवन एटी थ्री से ए ट्वेंटी एडी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स केम टू इंडिया फ्रॉम उजबेकिस्तान इन द इलेवेंथ सेंचुरी इनमें से कौन ग्यारहवीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था ऑप्शंस क्या दिए आपको अब्दुर रजाक समर क्वानी बेनियर इबन बतूता ये तो मोरको से आया था राइट अल बिरूनी बताइए कौन आया था उज्बेकिस्तान से हाँ जी क्या है इसका आंसर बताइए राइट अल अलबरूनी जो था वो ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था कहाँ से उज़बेकिस्तान से इन इलेवेंथ सेंचुरी राइट और क्या कहा जाता है इसको इनको कहा जाता है अलबरूनी को फाउंडर ऑफ इंडियोलॉजी फादर ऑफ फादर ऑफ कंपेरेटिव रिलीजन फादर ऑफ मॉडर्न जियोडेसी एंड द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रैप्लिका ऑफ द फेमस ताजमहल बिल्ट इन सिक्सटीन सेवेंटी नाइन ये मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, बताइए इनमें से कौन 1679 में निर्मित बनाया गया था प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है कॉपी है वो रेप्लिका है ताजमहल की हाँ जी जीना जीनत उल मस्जिद परी महल बीबी का मकबरा अम्म अलाहाबाद महल राइट बीबी का मकबरा किसने बनवाया था औरंगजेब ने ठीक है तो औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा अपनी वाइफ की याद में ठीक है इसको अ ऑबसिन कॉपी ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है ठीक है देखने में बिल्कुल ताजमहल जैसा है लेकिन छोटा है साइज में ठीक है और उतना आ, अच्छी कार्विंग्स या उतना बेटर क्वालिटी का मार्बल या उतना शाइन नहीं करता है उतना ग्रैंड लेवल पे नहीं बना है इसलिए उसको बोलते हैं कॉपी ऑफ ताजमहल ठीक है बीबी का मकबरा बहुत बार पूछा जाता है किसने बनवाया तो आंसर क्या होगा औरंगजेब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं जब हमने औरंगजेब के आ, के बारे में पढ़ा था हाँ और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि कहा पर है औरंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में है औरंगाबाद तो औरंगाबाद में है ये बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था रेप्लिका ऑफ ऑरिजिनल कॉपी कौ, ऑफ ताजमहल भी इसको बोला जाता है राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द द्रेवलर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्टिव कंट्री दे हेल फ्रॉम इनमें से कौन से विदेशी यात्रियों में से uh, कौन अपने संबंधित संबंधित देश के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है जिससे वे रहते हैं बताइए यहाँ पर आपको नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं चार ऑप्शंस में आपको बताया है कि कौन सा ट्रेवलर किस देश से आया था इंडिया में तो वो पेयर बना के दिए हुए आपने इनकरेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है हाँ जी मार्कोपोलो इटली इबन बतूता मोरोको ये सही है अलबरूनी ये सही है मुंडी चाइना एंड मार्कोपोलो इटली बताइए फटाफट से क्या है इसका सही आंसर अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए राइट बी मुंडी चाइना मुंडी चाइना ये गलत ऑप्शन है ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हां जी बताइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफी ट्रेडिशंस वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सामा सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है हां जी बताइए फटाफट से ऑप्शंस क्या दिए आपको रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड सॉन्ग्स पवित्र गीतों का पाठ मैजिकल फीट डिसिपल यानी शिष्य मैजिकल फीट यानी जादुई कर्तव्य या आश्रम जी, समा का मतलब क्या होता है ये पूछा है आपसे राइट जो रेसिटेशन ऑफ सेक्रेट सॉन्ग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो ए इसका आंसर है हाफिज वॉज अ हाफिज एक क्या था सेंचुरी पॉइट कलेक्शन ऑफ पोएम इज नोन एज दीवान और दीवान हाफिज राइट फोर्टीन सेंचुरी किस सेंचुरी के पॉइट थे वो फोर्टीन सेंचुरी फिफ्टींथ सेंचुरी या सेवनटीन सेंचुरी राइट फोर्टीन सेंचुरी तो फोर्टीन सेंचुरी इसका आंसर है हाफिज वॉज फोर्टीन सेंचुरी पोएट हुज़ कलेक्शन ऑफ पोएम इज नोन एज उनकी जो पोयम की कलेक्शन थी उसको बोला जाता था दीवान या फिर दीवान हाफिज ठीक है हाफिज वॉज अरानियन पोएट ईरान के थे वो ठीक है पर्शियन लैंग्वेज में पोयम लिखते थे इम्पॉर्टेंट है दीवान आर गजल्स ठीक है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दीवान जो उनका लिखा हुआ सॉन्ग uh, होते थे ज्यादातर क्या होती थी गजल्स होती थी नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द रूल ऑफ विच किंगज द सन टेम्पल एट कोनाक बिल्ट कौन से किंग के रूल में शासन साश, काल में ये कोनाक टेम्पल सूर्य मंदिर बनवाया था किसने बनवाया था किस राजा ने बनवाया था, बन था? अनंत पदमाभन समुद्रगुप्त नरसिम्हा देव वन अनंत वर्म चोडा गंगा हाँ जी क्या है इसका आंसर राइट right, नरसिम्हा देव वन इसका आंसर है कहां पर है ये कोनाक टेम्पल कोनाक टेम्पल या सन टेम्पल इसको बोलते हैं ये है उड़ीसा में ठीक है उड़ीसा में है ये राइट right? तो किसने बनवाया था नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था हां जी उड़ीसा में कहां पर है पुरी में है कब बनवाया था 1250 सेंचुरी में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की बंगाल गैजेट मार्था द मद्रास कोरियर या फिर बॉम्बे हिराल्ड राइट हिकिस बंगाल गैजेट तो हिकिस बंगाल गैजेट जो था वो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर था इंडिया का इट वॉज फाउंडेड इन कैलकटा कहां पर छपा था सबसे पहले कहां पर फेमस हुआ था कैलकटा में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन है हु वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर टू लीड एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824 अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपसे पूछा है ये चार ऑप्शन में से कौन है जिन्होंने सबसे पहले जो है विद्रोह किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1824 में किस चीज के अगेंस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट कितूर चिनम्मा तितु जय रघु राजा रघु या फिर पहाजी राजा हाँ जी बी इसका आंसर है सॉरी ए इसका आंसर है किटूर चिनम्मा। ठीक है तो किटूर चिनम्मा जो है ये सबसे पहले थे 1824 में जिन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस चीज के अगेंस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के अगेंस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द द फॉलोइंग मोस्ट दिवस अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इसमें से कौन सा टेक्स है जो कि कश्मीर के बारे में डिटेल में बताता है इनमें से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है वो विवरण देता है ऋतु संभारा राज अभिजनना शकुंतलम या मेघदूतम बताइए हाँ जी बी इसका आंसर है ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं तो राज तरंगनी जो है वो कश्मीर के बारे में विवरण देता है इसमें जो है कश्मीर पर जितने भी राजा ने रूल किया है जितने भी राजाओं ने रूल किया है उनके बारे में लिखा गया है राज तरंगनी ठीक है बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है किसने लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा गया है टीसीएस ने पूछा है इस क्वेश्चन को कलहाना तो कलहाना जो है उन्होंने लिखा है इसको संस्कृत भाषा में राज तरंगनी को उन्होंने लिखा है कर, आ, संस्कृत भाषा में ठीक है ट्वेल्थ सेंचुरी में लिखा था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कैपिटल ऑफ बहमानी सुल्तनत सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन इनमें से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमानी सल्तनत की राजधानी बन गया था हाँ जी बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द कैपिटल ऑफ बहमानी सल्तनत इमिडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन आपसे पूछा है इनमें से कौन सा शहर जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो तुरंत ही किसी एक पर्टिकुलर सल्तनत की कैपिटल बन गया था कैपिटल ऑफ बहमानी सल्तनत हाँ जी बहमानी सल्तनत की कैपिटल बन गया था ये शहर जिसकी स्थापना हुई थी वो आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहमानी सल्तनत की राजधानी बन गया था देवगिरी दौलताबाद एहसानाबाद या बिरार हां जी बताइए राइट सी सी इसका आंसर है अशानाबाद तो अशानाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ बहमानी सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर तो इट्स फाउंडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स जर्नली इन द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज़ द मीनिंग ऑफ दीवानी आपसे पूछा है कि मुगल प्रांतीय शासन में दीवानी का अर्थ क्या था ऑप्शंस क्या दिए आपको ऑप्शन नंबर वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिमिनल जस्टिस कानून और व्यवस्था का प्रशासन और आपराधिक न्याय सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है क्रिमिनल ज्यूरिप्रूडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रीजन्स ठीक है अपराधिक न्याय uh, शास्त्र और uh, जेलों का प्रशासन थर्ड so, ऑप्शन है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्थ ऑप्शन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि राजस्व प्रशासन या फिर अपराधिक न्याय प्रणाली हाँ जी वट वॉज द मीनिंग ऑफ दिवानी दिवानी का मतलब क्या होता है राइट right, जो सी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं दिवानी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर एटी सिक्स पहुंच चुके हैं द चालुक्य डायनेस्टी रूल इन वतापी विच इज इन द मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ चालुक्य राजवंश ने वतापी में शासन किया जो कि आधुनिक भारतीय राज्य में कहां पर है ये पूछा है आपसे हां जी बताइए क्या है आंसर ऑप्शंस क्या दिए पहले ये बताते हैं uh, केरला गुजरात कर्नाटका तमिलनाडु राइट right, कर्नाटका इसका आंसर है तो कर्नाटका में है वतापी ठीक है तो चालुक्य डायनेस्टी रूल इन वतापी जो कि अभी कहाँ uh, कौन सी स्टेट है कर्नाटका कब एस्टैब्लिश हुई थी किसने एस्टैब्लिश की थी हु फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वो है पुलाकेशन वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रानी रुद्रमा देवी वाज़ अ फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी रुद्रमा देवी जो है वो फेमस फेमस रूलर थी कौन सी डायनेस्टी की पांड्या काकटिया चोला या चेरा हाँ जी आंसर है काकाटिया तो काकाटिया जो है डायनेस्टी थी उसकी रूलर थी कौन रानी रुद्रमा देवी आगे चले Which ऑफ द फॉलोइंग monuments इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ Karnataka? आपसे यहाँ पर जो चार monuments दिए हैं ठीक है थीके? गोल गुम्बज बारा इमाम बारा, चार मीनार एंड कुतुब मीनार आपसे पूछा है कि कर्नाटका में कौन सा लोकेटेड है अभी हम पीछे करके आए हैं कि कुतुब मीनार तो दिल्ली में है ठीक है चलिए अब बचा आपके पास चार मीनार गोल गुम्बज Uh, बारह इन बारह कौन सा कर्नाटका में है बताइए राइट right, गोल गुंबज तो गोल गुंबज जो है वो है कर्नाटका में ये हम कर चुके हैं ठीक है ठीके? तो कर्नाटका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है इंपॉर्टेंट है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में किसका टूम्ब है गोल गुंबज इट इज द टूम्ब ऑफ किंग मोहम्मद आदिल शाह तो मोहम्मद आदिल शाह का टूम्ब है ये राइट right? मुर्शीदुली खान वॉज द नवाब ऑफ मुर्शीद कुली खान जो है वो कहां के नवाब है कहाँ के नवाब थे अवध बंगाल लखनऊ या हैदराबाद राइट right, बंगाल तो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग आपसे पूछा है फिर से को सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था रिपीट हो रहा है क्वेश्चन रानी रुद्रमा देवी का संबंध इनमें से किस राजवंश से था अः वाकटा का वेस्टर्न गंगा काकटिया या चोला राइट काकटिया तो काकटिया की क्वीन थी कौन रानी रुद्रमा देवी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रमादित्य हुज हुयोग्राफी वॉज कम्पोज बाय हिज कोर्ट पोएट बिल्हाना वॉज ए रूलर ऑफ विच डायने जिनके दरबारी कवि बिलहन ने उनकी जीवनी लिखी थी अः uh, कौन से राजवंश के शासक थे चालुक्य गंगा राष्ट्रकुता या पल्ला हाँ जी बताइए राइट चालुक्य डायनेस्टी तो चालुक्य डायनेस्टी के थे विक्रमादित्य विक्रमादित्यास ठीक है उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी बिल्हाना ने लिखी थी ठीक है चालुक्य डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बायेश वन इन फिफ्टीन सॉरी फाइव फोर्टी थ्री तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है तो चालुक्य डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बार बार टीसीएस अपने क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है तो करके जाइएगा जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बदामी वाज़ द अर्लीस्ट कैपिटल बदामी जो था वो पहले किसका कैपिटल था चालुक्य सोंगा पलवा या मौर्य राइट right, चालुक्यास जो चालुक्यास का कैपिटल था बदामी ठीक है उसके बाद उसको एस्टैब्लिश uh, कैपिटल बाद में कहां पे उन्होंने अपना कैपिटल एस्टैब्लिश किया वतापी में ठीक है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट विच इज अ फॉर्म ऑफ कर्नाटका विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज बिल्ट बाय काका डायनेस्टी इनमें से किस इनमें से किस किले का निर्माण काकाटिया वंश ने करवाया था पनहाला रायगढ़ निमराना या गोलकोंडा राइट right, गोलकोंडा फोर्ट तो जो गोलकोंडा फोर्ट है वो कब बिल्ट हुआ था कौन सी डायनेस्टी में काकाटिया डायनेस्टी में बिल्ट हुआ था ठीक है कौन थी वहां की रूलर रानी रुद्रमा देवी ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रंग घर वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर्स वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी आपसे पूछा है रंग घर एशिया के सबसे पुराने अखन, अखाड़ों में से एक है तो कौन से वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सेन अहोम मुगल या गुप्ता रंग घर जो है एक एम्फी थिएटर है अखाड़ा है कौन से राजा ने बनवाया था राइट right, अहोम इसका आंसर है अहोम राज, राजा ने बनवाया था रंग घर को हाँ जी कौन से अहोम किंग थे उनका नाम है प्रथमा सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज़ द फाउंडर ऑफ भक्ति सेक्ट नेम पुष्टि मार्ग आपसे पूछा है इनमें से कौन पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे ऑप्शंस क्या दिए हैं वल्लभ वल्लभाचार्य कबीर शंकराचार्य या रामानुज हाँ जी बताइए राइट right, वल्लभचार्य तो वल्लभचार्य जो है वो फाउंडर थे भक्ति सेक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन लाल देद अ फीमेल सेंट ऑफ द सेंचुरी लाल देद नाम की जो है लाल डेद नाम की एक फीमेल सेंट थी राइट right? महिला संत थी फोर्टीन सेंचुरी में वाज वन ऑफ द अर्लिएस्ट एंड बेस्ट नोन पोइटिस तो वो Uh, कौन से लैंग्वेज की पोएट uh, भी थी ये आपसे पूछा है तमिल लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज कश्मीरी या बंगाली राइट कश्मीरी लैंग्वेज तो कम कश्मीरी लैंग्वेज की पोएट थी वो नाम क्या था लाल डेड ठीक है uh, लालेश्वरी नाम था एग्जैक्ट तो फीमेल सेंट थी फोर्टीन सेंचुरी की वाज वन ऑफ द अर्लिएस्ट एंड बेस्ट नोन कश्मीरी पोएट चलिए आगे चलते हैं इनमें से किस आ, किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है हां जी हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी निजाम शाह कुतुब शाह बहलोल लोदी या मलिक अंबर राइट मलिक अंबर मलिक अंबर को माना जाता है औरंगाबाद शहर का फाउंडर संस्थापक राइट कब हुआ था औरंगाबाद स्थापित कब किया था इन्होंने 1610 में ठीक है ओरिजिनली इसको क्या बोला जाता था पहले औरंगाबाद को खाद की ठीक है खाद की बोला जाता था हाँ जी बीबी का मकबरा है औरंगा औरंगजेब ने बनवाया था ताजमहल कॉपी ऑफ ताजमहल इसको माना जाता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सूर्य वंशी गजापति डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इन द फिफ्टींथ सेंचुरी आपसे पूछा है इनमें से कौन सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था जिसने पंद्रहवीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था भानुदेव वासुदेव सुरेंद्रदेव या या फिर कपिल कपिलेंद्र देव राइट right, कपिलेंद्र देव ठीक है तो कपिलेंद्र देव वॉज द फाउंडर ऑफ सूर्यवंशी गजापति डायनेस्टी जिसने कहां पर रूल किया था उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में कब फिफ्टीन सेंचुरी में फॉलोइंग फर्स्ट डिसमे स्क्रिप्ट इन 1837 इनमें से किसने 1837 में सबसे पहली ब्रह्मी लिपि का अर्थ निकाला था दयाराम सैनी अलेक्सेंडर कनिंगम जॉन मार्शल या जेम प्रिंसेप ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हाँ जी बताइए जल्दी से राइट जेम्स प्रिंसेप तो जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने सबसे पहले डिसाइफर किया था किसको ब्रह्मी स्क्रिप्ट को ठीक है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में आ, फर्दर दो स्क्रिप्ट थी आ, क्रोष्टी ठीक है एक क्रोष्टी एक ठीक है ये दो स्क्रिप्ट थी जो कहाँ पर अ, पाई गई थी कौन से अशोका इंस्क्रिप्शन पर अशोका ने कलिंगा वार के, के बाद बहुत सारे अ इंस्क्रिप्शन लगवाए ठीक है रॉक इंस्क्रिप्शन लगवाए कुछ रॉक पिलर्स लगवाए कुछ रॉक मेजर रॉक एडिक्ट लगवाए माइनर रॉक एडिक्ट लगवाए ठीक है जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं जब हमने अशोका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था ठीक है तो वहां पर जेम्स ने, आ, प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है अशोका का लिखा गया जो स्टोन पे इंस्क्रिप्शन है उसको आ, डिसाइफर किया था राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था कोची टुटिकोरिन पांडिचेरी पंजिम हां जी पांडिचेरी तो पांडिचेरी वाज़ द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया पांडिचेरी सबसे पहली कैपिटल थी कैपिटल थी फ्रेंच कॉलोनी की इंडिया में राइट चले आगे चलिए तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे तो यहाँ पे आपकी हो रही है अच्छे से रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी रिवीजन होगी तो और कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एक तो तरीका है कि आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए वीडियो देखिए डेली मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आंसर है मैं आपको रिप्लाई करूंगी दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाके टेस्ट पास ज्वाइन करें टेस्ट पास टेस्ट पास ज्वाइन करने से आपको मिलेंगे ढेर सारे मोक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए तो वहां पर आप देखिए कि आपकी स्पीड कितनी है आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर पा रहे हैं तो अपनी एक्यूरेसी जरूर साथ में कंसिडर करना चेक करना कि आ, इतने टाइम में इतनी एक्यूरेसी तो आ ही जाएगी ठीक है इतना इतना आप आप श्योर हो जाना कि इतने टाइम में इतनी एक्यूरेसी आएगी तो इतना तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे ठीक है तो वो कब आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा मोक टेस्ट लगाएंगे और मोक टेस्ट के बाद आप उसको रिव्यू जरूर करिए ताकि जब आप अगला मोक टेस्ट लगाएं तब आपसे वो पहले वाली गलतियां ना हो ठीक है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए अपनी मिस्टेक्स को बार बार चेक कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए राइट चलते हैं आगे और मिलेंगे चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टे से स्टे हेल्दी थैंक यू